हैप्पी एनिवर्सरी भाभी, आप हमेशा खुश रहो। वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल गढ़वाली माँ। अभी हम आए हैं भैया भाभी की एनिवर्सरी के लिए केक लेने, तो अभी अश्मित जी, हाँ ठीक है, सही नहीं लग रही है बता दो अभी। नहीं सही है, तो अभी आपको दिखाते हैं कि अंदर हम कौन सा केक चूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे केक हैं, तो देखते हैं कौन सा हम लेते हैं। इशू, हम क्या लेने आए हैं? मम्मी को केक खाऊंगा। केक कहाँ है बताओ, मामी का केक कहाँ है? ओहो, यहाँ पर अश्मित जी लगे हुए हैं फोटो चूज करने में। सो हम आए हैं भाभी एंड भैया के लिए केक डिसाइड करने के लिए। यहाँ पे अभी हमने जितने भी केक देखे कोई भी अच्छा नहीं लगा, तो सब बनवा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा केक रेडी हो रहा है। डिसाइड हुआ कौन सा है, क्योंकि अभी क्या है ना, सारी फोटो कैसे भेजूं? का ऑर्डर क्या देने लग जाते हैं ये हमारे महाराज जी, देखो कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं। कहाँ आ गए बिट्टू, क्या लेना है? ये देखो, इनको हमेशा से यही चाहिए होती है। दे देना भैया एक ले लो, कह दो रुपए अभी मिलेंगे थोड़ी देर में, ओके अभी देती हूँ। केक बना रहे हैं, थैंक यू बोलो भैया को, थैंक यू बोलो। का यही रहता है, हम केक लेने आ जाते हैं और ये चॉकलेट अपना ले लेते हैं। ये मुझे चॉकलेट चाहिए, तो देखो ना अश्मित जी, उसको हमेशा से यही चाहिए होता है। हो गया, अभी विशु गए हैं पैसे देने के लिए। चले अभी, चलो और क्या चाहिए? कुछ नहीं। कुछ नहीं। तो केक हमारा बनने में अभी 5 से 6 मिनट है, तो सोचा इतने में कुछ गिफ्ट भी चूज कर लेते हैं, ले लेते हैं, है ना। वैसे तो ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ, बट थोड़ा बहुत ही है जो कि जल्दी बैठो, मैं जा रहा हूँ ना गिफ्ट लेने आई हूँ। तो यहाँ आ गए हैं सिटी मॉल गिफ्ट खरीदने, बट यहाँ पे सारी ही शॉप्स बंद हो चुकी हैं। आप देखो लेट आए थे निकल के यार, कुछ भी नहीं है, सब जगह बंद हो चुका है, तो गिफ्ट हमारा कैंसिल है। गिफ्ट के लिए कोई ऑप्शन नहीं बचा है अभी। हाँ, एक शॉप पे और देख लेते हैं। सो गाइस, हम आ चुके हैं फिर से केक वाली शॉप पे, ठीक है। गिफ्ट तो नहीं मिला क्योंकि रात के 8 बज गए होंगे ना, हाँ 8:30 बज गए हैं, तो गिफ्ट मिलना तो बहुत मुश्किल हो गया है। केक तो बन गया, केक रेडी है। सो गिफ्ट से अच्छा केक है जो कि बहुत जल्दी रेडी हो गया है। तो ये ऐसा हुआ, मज़ा नहीं आया भैया, ये कैसा किया, मतलब गाइस केक देख के दिमाग खराब हो गया है, आपका भी हो जाएगा। देखो तारीफ कर रही हूँ, बहुत अच्छा केक है, खाने में बहुत टेस्टी होता है, हमेशा हम यहीं से ले जाते हैं, सारी ही चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बिल्कुल परफेक्ट करते हैं वो। कह रहे तारीफ करो, तो मैं बोल रही हूँ खाने में बहुत टेस्टी होता है केक, सारी ही चीज़ें बहुत अच्छी है, स्ट्रॉबेरी अच्छी है, बट वो फोटो अच्छी नहीं लग रही है। मैं बुराई थोड़ी कर रही हूँ, हाँ मैं आपकी साइड हूँ बिल्कुल, मैं शॉप की साइड हूँ बिल्कुल। अच्छा केक होता है यहाँ का, जिसको भी केक बनवाना यहीं पर आना ज़रूर। देखो क्या करते हैं, देखते हैं। तो अभी कुछ भाई बाबू, आप ये देख रहे हो, इनको देखो क्या है। हाँ
सो गाइस ये ताज है और जो कि बहुत ही कॉस्टली है, एक बोल रहे 1.5 लाख का, एक बोल रहे 2 लाख का। अभी केक लेके मैं घर पे आ गई हूँ, ठीक है। और मेरा बस दिमाग अभी बहुत ज़्यादा ख़राब है। जब आपका दिमाग ख़राब होता है ना, तो आप किसी की खुशियों को स्पाइल नहीं कर सकते। खुशियाँ हमेशा बांटनी चाहिए, चाहे आप कितने भी दुखी हो, ठीक है। दूसरे की खुशी को आप ख़त्म नहीं कर सकते ना, चाहे आप थोड़ी सी भी करो, बट अगर आपकी वजह से किसी को खुशी मिलती है ना, गम तो है ही आपके पास। अगर आप किसी को थोड़ा सा भी खुश कर सकते हो ना, तो कर दो यार, बस मेरा यही कहना है और ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी। सो गाइस, अभी हमारे भैया जो आपने देखा होगा साड़ी लेके आए हैं भाभी के लिए, तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि ब्लाउज नहीं है। सो हमने निकाला है ये वाला ब्लाउज, और ये जो ब्लाउज है ये भाभी को फिट नहीं आ रहा है। तो मैं ले आई हूँ अपना ये दर्जी का सामान, तो देखते हैं कि भाभी के लिए ब्लाउज ठीक हो पाता है और भाभी इस साड़ी में कैसी लगती है। मैं धीरे बोल रही हूँ क्योंकि भाभी को अभी इसमें रेडी होना है और भैया को दिखाना है कि वो कैसी लग रही है। बीच बीच में ही बच्चे आ जाते हैं ना मम्मा को डिस्टर्ब करने के लिए। क्या करने में? मैं दर्जी बन गया हूँ। मैं दर्जी बन गया हूँ। क्या कर क्या रहे हो? दर्जी बन गया हूँ, ब्लाउज सिल रहा हूँ। अच्छा, ये कौन सा ब्लाउज है? ये हम अपनी भाभी को रेडी करने के लिए ब्लाउज सिल रहे हैं। दो बार पता है वो भी लग गई सुई। सुई चलाने के लिए दिमाग चाहिए होता है थोड़ा सा। मेरे पास तो दिमाग है नहीं ना, आपका कहना है? कहीं और चल रहा है। आप सो गए थे क्या? हाँ यार, मैं रिलैक्स मोड में आ गया था। अभी चल रहे हो, गुब्बारे कौन फुलाएगा? मैं फुलाऊंगी ना, अभी जा रही हूँ। आप आराम करो, मैं करूँगा सब चीज़। ठीक है, जाऊँ? भाई मेरे बच्चे को क्यों रुला रहे हो तुम लोग? ये देखो एनिवर्सरी बॉय अपने गुब्बारे अपने आप ही फुलाते हुए। लगा तो नहीं, देख रहे हो ऐसे भी होता है। मत फुलाओ भाई, आपको पता क्या है? आज प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो रही है ना, तो ये सड़े हुए बैलून है भाई, ये हवा। आपको पता है बेकार बैलून है ये, देखो ना फूल ही नहीं रहे। अभी भैया क्या करें। सो अभी पूरी तैयारी हो चुकी है और मैं आई हूँ यहाँ पे केक लेने के लिए। तो केक लेके चलते हैं अंदर। और ये चलो भाई, चलो रेडी हो जाओ सब लोग, केक आ चुका है। क्या हुआ? अले आप लेडी हो गए? लेडी कैसे रेडी हुए? पापा शूज लेके आए, पापा न्यू कपड़े लेके आए हैं, और मम्मा कहाँ है? मम्मा हैप्पी एनिवर्सरी, मम्मा हैप्पी एनिवर्सरी डैडा। तो भैया अपने भतीजे की तरफ से मैंने विश कर दिया आप लोगों को। थैंक यू सो मच। वो कैसे खेल रहे हैं? क्या हो रहा है ये? हंसी क्यों आ रही है इतनी? छोटे भाई को स्लीपर पहनाते हुए बीचू। विशु क्या है ये? ये भाई है, ये मामी है। है? हैप्पी एनिवर्सरी भाभी एंड मेरे क्यूटू से भाई। अरे क्या बोलते हो, शादी के एक साल बाद आता है, क्या होता है वो यार? अरे जन्मदिन उसको, जन्मदिन, शादी का जन्मदिन मुबारक हो। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। आप सभी, मतलब आप दोनों को, सभी को नहीं है, आप दोनों को,
आपकी शादी की सालगिरह मुबारक हो, बहुत बहुत। और ऐसे ही फलो फूलो और हमेशा गोल्डन जुबली और क्या बोलते हैं उसको, डायमंड सब मनाओ। माता रानी आपको हमेशा खुश रखे। हमारे भाभी फिर से खाने लगी हैं क्या आज के? आज तो छोड़ दो भाभी, आज मत खिलाओ, खाओ मतलब। अच्छा मम्मी को खिला रहे हैं। ये इन लोगों का एनिवर्सरी केक है और आपको तो बताइए मैं थोड़ी सी पागल हूँ, पागल टाइप की हूँ, ठीक है। आज थोड़ा सा परेशान हूँ, पर पागल बंदी तो कभी भी बनती है ना, पागल तो कभी भी बन जाते हैं। तो ये है मेरी भाभी का चेंज करवा दे केक, ये है मेरे प्यारे प्यारे भैया भाभी के लिए। बहू ये मसाज करो तो सही जरा यार। अब ये काम आपका है, मैंने कर दिया। केक बड़ा टेस्टी है, खा लेती हूँ। ये हमारा केक है, ये मेरे भाई का केक है, और ये हमारा भैया का केक है। तो गाइस कर दी आपके, आप तो मेरे बोलने पे करते हो क्या चीज। तो गाइस तुम्हें ये कह रहा था ये मैं खा देता हूँ, लाल लाल वाला इधर से। हाँ जी बिल्कुल, मुझे खिला देना भैया। ठीक है ये ला। चल रही है आपकी, नहीं ये बताओ पहले तो। अरे मैं आपकी चीज भूल गया, मैंने ये केक तो उठा लिया हाथ, मैंने हाथ धोए थे क्या? क्या पता चला दोगे ऐसे ही। चलो भाई चलो, हैप्पी भाई, मैनी मैनी हैप्पी एनिवर्सरी, और आप हमेशा ऐसे खुश रहना। अरे अरे रुको भाई, रुको 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 रुको, अरे यार कौन रह गया यार, ये इधर भी काम है और मेरे लगाने का तो भी नहीं रहा। अश्विन जी कहाँ भाग रहे हो? अश्विन जी केक तो खाओ, खिला दो। मैं ये कह रहा था मेरे मुंह पे अभी जो केक लगा था ना, मेरी जो फेस पे क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं वो जो करते करवाते हैं मसाज, बस यही होती है अपने मसाज, बाकी तो अपने वो लगता है बॉडी लोशन बस खा ली, इसी से हो जाती है फेयरनेस जो होती है। सो गाइस मसाज करनी है तो केक से करवाओ, ठीक है। सो गाइस अभी मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, इन दोनों की कॉमेडी आप देखते रहो, ये क्या कर रहे हैं। अरे मैं ये कह रहा था, सुनो नहीं, आपको कुछ नहीं सुनेगा, कोई कुछ नहीं सुनेगा।